सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मपीडिया। सो सोनी ने 2023 के लिए अपनी दो नई मूवीज को अनाउंस किया है, जिन मूवीज के अंदर हमें स्पाइडरमैन, वेनम, क्रेवन द हंटर ऐसे कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। सो बेसिकली 2023 में हमें दो मूवीज दिखने वाली है मार्वल और सोनी के साथ। सो ये दो मूवीज कौन सी होने वाली है, इसके बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो क्या 2023 में हमें टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सोनी की तरफ से 2023 के लिए दो नए मूवी डेट्स अनाउंस हुए हैं। एक डेट है 23 जून का और दूसरा डेट है 6 अक्टूबर का। बेसिकली 23 जून 2023 और 6 अक्टूबर 2023 में हमें सोनी और मार्वल की तरफ से दो नए प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। अब इन डेट्स को गेस करना कि इन डेट्स में कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है, ये काफी आसान इसलिए भी है क्योंकि अक्टूबर के महीने में मोस्ट प्रोबेबली हमें वेनम 3 देखने को मिलेगी। वेनम 2 इस साल भी अक्टूबर में रिलीज हुई है। इसके अलावा वेनम भी अक्टूबर और सितंबर के महीने में रिलीज हुई थी। ऐसा हो सकता है कि 2023 में वेनम 3 भी हमें अक्टूबर के महीने में देखने को मिले, यानी कि 6 अक्टूबर 2023 में देखने को मिले। इसके अलावा 2023 में हमें क्रेवन द हंटर के ऊपर मूवी दिखने वाली है, पर क्रेवन द हंटर की मूवी जनवरी 13 2023 के लिए स्लेटेड है, इसलिए जून के महीने में क्रेवन द हंटर रिलीज नहीं होगी और जून और जुलाई के महीने में मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन के ऊपर ही मूवीज आती है। तो ऐसा हो सकता है कि 23 जून 2023 में हमें स्पाइडरमैन 4 देखने को मिले। अब ये स्पाइडरमैन मूवी किसके ऊपर बेस्ड होगी, ये कहना काफी मुश्किल है क्योंकि बेसिकली अभी जॉन वाट्स ने, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम स्पाइडरमैन के लिए एक एंड गेम मूवी होगी, इसलिए मुझे नहीं पता कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इतनी जल्दी वापस आ जाएगा तो प्ले स्पाइडरमैन अगेन। इसलिए इंटरनेट पर ऐसे काफी सारे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि 23 जून 2023 में हमें टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकता है। अब ये चीज कंप्लीट रूमर है कि हमें टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन 4 2023 में देखने को मिलेगा, पर क्योंकि सोनी ने 23 जून के लिए एक मूवी अनाउंस की है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी स्पाइडरमैन के ऊपर ही होगी और ये स्पाइडरमैन मूवी एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैग्वायर या टॉम हॉलैंड में से किसी भी स्पाइडरमैन की हो सकती है। पर अभी के लिए सेफ बेट यही होगा कि आप ये मान के चलो कि 23 जून 2023 में आपको टॉम हॉलैंड के साथ एक नई फ्रेंचाइजी ओपन होते हुए दिखेगी और एक नई स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी स्टार्ट होते हुए दिखेगी। बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम एक एंड गेम टाइप की मूवी तो है स्पाइडरमैन के लिए, पर ये टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए एक फाइनल ट्रिलॉजी नहीं है। होमकमिंग ट्रिलॉजी के बाद भी हमें टॉम हॉलैंड के साथ एक और ट्रिलॉजी देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन की, जिस ट्रिलॉजी में हो सकता है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आपको यूनिवर्सिटी में दिखे या फिर कोई जॉब करते हुए दिखे। पर ऐसा भी हो सकता है कि इन स्पाइडरमैन मूवीज में मल्टीवर्स का भी काफी ज्यादा हाथ हो और इन मूवीज के अंदर आपको टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन भी दिख सकते हैं, क्योंकि अगर नो वे होम में एंड्रू और टॉबी वापस आ रहे हैं सो मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन 4 में भी एंड्रू और टॉबी वापस आ सकते हैं। तो ये बात हुई स्पाइडरमैन 4 की। अभी स्पाइडरमैन नो वे होम भी नहीं आई है और मैंने अभी से स्पाइडरमैन 4 को हाइप करना चालू कर दिया है। पर जो भी है, आप मुझे कमेंट्स में ये लिख के बताना ना भूले कि आप 2023 में क्रेवन द हंटर, वेनम 3 और स्पाइडरमैन 4 को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या जून 2023 में हमें स्पाइडरमैन की मूवी देखने को मिलेगी या फिर कोई और मूवी भी हमें उस डेट पे देखने को मिल सकती है, इसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।